मेरी वॉइस आ रही है प्रॉपरली? यस सर, ठीक है, यस सर। ओके। नाउ युवना, ये पढ़ना क्या लिखा हुआ है। युवना वॉइस क्लियर नहीं आ रही। अच्छा, कोई मानवी, आप रीड करना। यस सर। इन एडिशन टू स्ट्रेट एंड ब्रांच्ड कार्बन चेन्स, सम कंपाउंड्स हैव कार्बन एटम्स अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ अ रिंग लाइक इन साइक्लोहेक्सेन। ओके, नाउ हेक्सेन का फॉर्मूला कोई बता सकता है मुझे? हेक्सेन का C6H14 C6H14 है ना। फोर्टीन ओके, तो अगर मैं C6H14 को रिंग की शेप में बनाऊं, क्योंकि रिंग में कैसे कार्बन एटम्स होने चाहिए, इवन या ऑड? इवन। इवन, ठीक है ना। तो इसका मतलब अगर मैं इसको रिंग की फॉर्म में बनाऊं तो जो सिक्स्थ कार्बन है वो सेवन से अटैच है ना, मतलब फर्स्ट ही बन जाएगा, वो फर्स्ट से अटैच हो जाएगा, मतलब सेवन कुछ है ही नहीं। अब आप इसकी एच फिलिंग करते हो अगर, तो किस किस को एच फिलिंग नहीं समझ में आ रही, काइंडली रेज योर हैंड, जिसको एच फिलिंग नहीं समझ में आ रही। एवरीवन डन? तो ए पार्ट क्या बता रहा है, ए पार्ट क्या बता रहा है बच्चे? कार्बन स्केलेटन। ओके, और बी पार्ट कंप्लीट मॉलिक्यूल। ठीक है, अब क्या ये C6H14 का आइसोटोप है या नहीं, ओ आइसोमर है या नहीं? नो सर। बिल्कुल सही, क्योंकि C6H14 का जो आइसोमर होना चाहिए था उसका भी फॉर्मूला क्या होना चाहिए था? C6H14। गुड, तो इसका मतलब रिंग वाले में, ठीक है, रिंग वाले में आपको दिख रहा है कि अगर हमें रिंग वाले में C6H12 को लिखना है तो हम उसको क्या बोलेंगे, साइक्लोहेक्सेन। यानी हेक्सेन और साइक्लोहेक्सेन में क्या फर्क आ रहा है, क्या डिफरेंस आ रहा है? हाइड्रोजन एटम्स कम है। हाइड्रोजन एटम्स कम हो गए। गुड, ओके चिराग, रीड दिस 18th पॉइंट। स्ट्रेट चेन, ब्रांच चेन एंड साइक्लिंग कार्बन कंपाउंड्स ऑल मे बी सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। अब आ गया हमें जो मेन पढ़ना था, यहां से आपका चैप्टर मेनली स्टार्ट होता है, बेंजीन। मतलब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ही अब यहां से शुरू होते हैं। तो बेंजीन, बेंजीन का मैंने क्या बताया फॉर्मूला, C6H6। तो जिसको भी ये स्ट्रक्चर नहीं समझ में आ रहा, जो मैं जूम कर रहा हूं, ठीक है, वो मुझे हैंड रेस कर देना, मैं इसको स्टार्ट कर रहा हूं बनाना। तो सी फर्स्ट, फिर सी सेकंड, फिर सी थर्ड, फिर फोर्थ, फिर फिफ्थ, और ये सिक्स्थ। पहले वाले में कार्बन के पास चार बॉन्ड हैं, जस्ट चेक इट फास्ट। ठीक है, पहले कार्बन के पास चार टेट्रावेलेंट हो गया। ठीक है, यस दूसरा सर। चेक, दूसरा चेक करना, दूसरा भी हो गया। ठीक है, नाउ चेक द थर्ड वन। नेक्स्ट फोर्थ वन। हाँ बच्चे बोलो। सर तो ये हेक्सेन का आइसोमर हो गया, स्ट्रक्चरल आइसोमर। अब ये देखते हैं हेक्सेन का फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला क्या है हेक्सेन का। C6H14। हाँ, फॉर्मूला चेंज हो रहा है ना। यस सर। थर्ड कार्बन का कैसे टेट्रावेलेंट कार्बन हो, कौन सा वाला?
थर्ड कार्बन देखो, दो ऊपर है पिंक, एक नीचे पिंक है और एक ही वाला पिंक है, ठीक है? तो ओके इसका मतलब ऑल्टरनेट क्या है? ऑल्टरनेट सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ऑल्टरनेट सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड है, और जो बाकी बचा हुआ है, जो एक एक बचा हुआ है वो क्या है? एच ने फिल कर दिया। आई होप सबको समझ आ गया होगा। बेंजीन, बेंजीन हमारे लिए स्पेशल क्यों है वो मैं किसमें बताऊंगा? मैग्नेटिक इफेक्ट्स में, क्योंकि इसको किसने डिस्कवर किया था? फैराडे ने, ठीक है? सर। तो मतलब वो जो बेंजीन है वो किसके का फैमिली का मेंबर है? वो एल्कीन फैमिली का ही मेंबर है, बट यहाँ पे सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड दोनों है, इसलिए उसका नाम चेंज कर रखा है बस, ठीक है? मतलब वो सेकंड फैमिली का ही है। अगर सेकंड फैमिली का होता तो वो C6H12 नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सही, अभी हमने यही सीखा था कि अगर C6H14 है तो साइक्लो में उसके एच कम हो जाएंगे, साइक्लो में ये हेक्सेन था ना, अब ये क्या बन गया? साइक्लोहेक्सेन, है ना? तो इसका मतलब अगर मैं हेक्सीन लूं तो हेक्सीन का क्या होगा बच्ची? C6H12। ओके, अब इसको अगर मैं साइक्लोहेक्सीन लूं तो C6H6, ऑल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड के बाद, क्योंकि अगर मैंने डबल डबल बॉन्ड बना दिए सब में तो वो तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा ना। कार्बन का मैक्सिमम 3 तक जाता है, मतलब ये चीज एग्जिस्ट नहीं करेगी, ये समझ आ रहा है? यस ओके, यानी कार्बन का जो स्केलेटन है वो रिंग के साथ साथ, मतलब उसमें भी होना चाहिए हाइड्रोजन के साथ, हाइड्रोजन के साथ। सिर्फ स्केलेटन बनाने के बाद नहीं चलेगा काम, कंप्लीट मॉलिक्यूल भी बनाना होता है हमें हाइड्रोजन के साथ। ओके, मानवी ये रीड करना। सर। कार्बन कंपाउंड्स विच कंटेन ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन्स। आगे 20.2, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आर कॉल्ड एल्केन्स। द अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स विच कंटेन वन और मोर डबल बॉन्ड्स आर कॉल्ड एल्कीन्स। दोस कंटेनिंग वन और मोर ट्रिपल बॉन्ड्स आर कॉल्ड एल्काइन्स। गुड, ठीक है। एल्केन, एल्कीन और एल्काइन, आज समझ में आ गया होगा मैंने फैमिलीज जो कराई थी, ठीक है? सो लास्ट टॉपिक फॉर टुडे इज विल यू बी माय फ्रेंड। ओके आरुष, आपसे स्टार्ट करते हैं। Will you be my friend? Carbon seems to be a very friendly element. Carbon also forms bonds with other elements such as halogens, oxygen, nitrogen, sulfur. In a ठीक है, hydrocarbon chain, one or more hydrogens can be replaced by elements such that the valency of carbon remains satisfied. In compounds, the element replacing hydrogen is referred to as a heteroatom. बिल्कुल सही। मान लो मैंने कार्बन का बना रखा है, मिथेन बना रखा है, ये मिथेन बना रखा है, ठीक है? अगर मैं इसमें से एक एच हटा के क्या लगा दूं? सीएल, क्योंकि सीएल को भी कितना चाहिए होता है? एक ही चाहिए होता है। तो क्या लिखा हुआ है आरुष, पढ़ना दोबारा से ये वाला पॉइंट जो ग्रीन से मैंने टाइप किया है। In compounds, the element replacing hydrogen is referred to as a heteroatom. गुड, तो हेट्रो एटम क्या हुआ? द सीएल गुड, द एलिमेंट रिप्लेसिंग हाइड्रोजन इज नो रेफर टू एज हेट्रो एटम। तो हमारे पास जो हेट्रो एटम है वो क्या क्या हो सकते हैं, इसको रीड करना शिवांग। हेट्रो एटम, क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ब्रोमीन, हाँ, और ऑक्सीजन, ठीक ऑक्सीजन। है। और चिराग, आप ये रीड करना क्या लिखा हुआ है इसका नाम, क्लास ऑफ कंपाउंड्स का। सर हेलो, हेलो हेलो, का मतलब यही वाला हेलो है, ये हेलो को केमिस्ट्री में ऐसे लिख रखा है इन्होंने, बिकॉज विल यू बी माय फ्रेंड था ना, तो हेलो। हेलो के आगे क्या लिखा हुआ है?
ब्रोमो एल्केन। गुड, तो मान लो मुझे इसका नाम बोलना है, तो इसका नाम हो जाएगा क्लोरोमिथेन। ठीक है, मानवी क्या हो जाएगा इसका नाम? क्लोरोमिथेन। ओके, अब इसका नाम बोलो। ब्रोमो मिथेन। गुड, ओके, एक बार इसका भी नाम बोलो। आप ट्राई करो युवना। ब्रोमो, अब कार्बन के दो है ना, दो के लिए क्या वर्ड आता है? एथ, तो क्या लिखूं? ब्रोमो, ब्रो ब्रोमो इथेन। ठीक है, सर, हाँ बच्चे बोलो। मीथेन तो CH4 होता है, तो बिल्कुल CH3 सही, में बिल्कुल सही। CH4 में से मैंने क्या हटाया था? CH4 में से मैंने क्या हटाया था? एच हटाया था, सर है ना? उसकी जगह किसने ले ली? क्लोरीन। क्लोरीन या ब्रोमो ने। तो बस मिथेन पूरा मिथेन नहीं है, नाम उसका मिथेन इसलिए पड़ गया क्योंकि कार्बन का 8 की एटम है और ओके सर, उसमें से एक एच की। हाँ युवना बोलो। युवना चैट में लिखो बच्चे, वॉइस ना प्रॉपर नहीं आ रही। हाँ बच्चे बोलो। सर ये ब्रोमो इथाइल नहीं होना चाहिए। हाँ बिल्कुल सही है आपका नाम, जो आपने नाम बोला ना वो दोनों ठीक है। इसका नाम ये भी है, मिथाइल ब्रोमाइड, ये कहना चाह रहे हो ना? मिथाइल ब्रोमाइड, यस और सर। इसका नाम है मिथाइल, वो भी दोनों ठीक है बच्चे, दोनों ठीक है। सर हाँ जैसे कि आपने हेलोजन्स के अंदर वो भी कहा था, फ्लोरीन और आयोडीन भी। हाँ वो दे नहीं रखे यहाँ पे, उसके क्वेश्चन नहीं आएंगे, डोंट वरी। मैंने करा दिए, मैंने कहा एक्स्ट्रा करा देता हूँ, मैंने कहा आपको आगे जाके अगर साइंस देनी होगी तो काम आएंगे, अब दे नहीं रखे। अच्छा ये तो सबको याद है, एल्कोहल का क्या होता है? ओ एच। तो अगर मैं CH4 में क्या हटा दूं? एच हटा दूं और उसकी जगह क्या लगा दूं? ओ OH एच, तो उस फैमिली का नाम क्या हो जाएगा? अल्कोहल। एल्कोहोल। लेकिन एक्चुअली में फैमिली का नाम है क्या? क्या याद रखोगे? फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप। अच्छा अगर ओ एच हटा के मैं क्या लगा दूं? CHO, मतलब ऐसे एच सी एच और यहां लगा दूं मैं CHO, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? एल्डिहाइड। एल्डिहाइड। ऐसे ही कीटोन और ऐसे ही कार्बोजाइलिक एसिड। ठीक है, ओके मानवी ये रीड कर दो। दीज हेट्रो एटम्स एंड द ग्रुप कंटेनिंग दीज कन्फर स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज टू द कंपाउंड रिगार्डलेस ऑफ द लेंथ एंड नेचर ऑफ द कार्बन चेन एंड हेंस आर कॉल्ड फंक्शनल ग्रुप्स। ठीक है, अब जैसे मान लो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था क्या, CnH2n+1 COOH। ठीक है, तो इसमें आरुष एन को वन डालना, एन को वन। CH5 हाँ एन को वन CH3 बच्चे, एन को वन। CH3 COOH हाँ अब टोटल मिला के इसमें कितने सी हैं? टोटल मिला के 2, टू। तो एथ हो गया। और सिंगल बॉन्ड हमेशा रहेगा क्योंकि आपके 10th क्लास में सिंगल बॉन्ड ही है, तो इथेन का ई हटा के क्या लगाना है? ओइक एसिड। ठीक है, क्योंकि ये कौन सी फैमिली का मेंबर है? इथेनोइक एसिड, कार्बोजैलिक एसिड का मेंबर है, कार्बोक्सिलिक। तो आपने ना लास्ट का जो ई है उसको हटाना है और क्या लिखना है? ओइक एसिड। ठीक है, अब जैसे इसका ट्राई करो, एनीवन इसका ट्राई करो जो मैं यहां पे लिख रहा हूं। एन को वन डालो, सॉरी एन को टू डालो, C2H5OH। C2H5OH। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? टोटल मिला के इथेन, ई हटा के क्या डालना है? ऑल, तो क्या हो जाएगा? इथेनॉल। इथेनॉल। देख ले एक बार, कुछ पूछना है तो।
सो फंक्शनल ग्रुप का एक बार फंक्शनल डेफिनेशन. ग्रुप की एक बार डेफिनेशन समझ नहीं आया। जो हेट्रो एटम, मतलब हेट्रो एटम क्या होते थे, जो हाइड्रोजन को क्या कर देते हैं. रिप्लेस कर देते हैं। हाँ, लेकिन अगर हेट्रो एटम सिंगल ना हो, जैसे हेट्रो एटम जो है वो सिंगल था ना यहाँ पे, या तो क्लोरीन था, या तो ब्रोमीन था, या तो ऑक्सीजन था. यस सर। लेकिन अगर मल्टीपल हो, मल्टीपल जैसे ओ एच, मतलब तीन, दो तीन एटम्स हो, तो उनका नाम फंक्शनल ग्रुप पड़ जाता है. आया समझ या नहीं. यस सर आवाज। गुड. अच्छा ये लास्ट रीड कर दो मानवी. 24th वाला. यस सर। फ्री वैलेंसी और वैलेंसीज ऑफ द ग्रुप आर शोन बाय द सिंगल लाइन। द फंक्शनल ग्रुप इज अटैच्ड टू द कार्बन चेन थ्रू दिस वैलेंसी बाय रिप्लेसिंग वन हाइड्रोजन एटम और एटम्स। तो इसका आंसर क्या है, टेबल अबव. ठीक है, इसको समझते हैं अच्छे से. अब ये बताओ मुझे कि जैसे सपोज करो कि अगर मैं CH3 लिखता हूं, तो इसके पास किस कितने एच की कमी है, डेफिशिएंट कितना है कि वन पूरा हो वन जाए. ठीक है, तो कार्बन की एक वैलेंसी बची हुई है, वो वैलेंसी कौन ले लेगा, या तो OH ले लेगा, या तो क्लोरीन, या तो आयोडीन, या तो ब्रोमीन, या तो CO, या तो COO, या फिर CHO. तो इन सबको एक नाम दे दिया क्या, फ्री वैलेंसी या वैलेंसी, वैलेंसीज. और उन उन ग्रुप्स का नाम क्या है, फंक्शनल ग्रुप्स, जो हाइड्रोजन को हटा के खुद जुड़ जाते हैं, जो हाइड्रोजन को हटा के खुद जुड़ जाते हैं. ठीक है, क्लियर हो गई वाली बात. ओके ओके शिवांग, मेरी वॉइस आ रही है. ओके ठीक है. नाउ चिराग, ये रीड करना 25th. The functional group is attached to the carbon chain through this valency by replacing one hydrogen atom or atoms. ठीक है, आई होप सबको फंक्शनल ग्रुप समझ में आ गया होगा. यस सर. ठीक है, तो फटाफट फटाफट इसको खत्म कर लेते हैं, होमोलोगस सीरीज को. आज आधे से ज्यादा चैप्टर तो आज ही हो जाएगा, 5 मिनट और लगेंगे. ठीक है, नाउ होमोलोगस सीरीज, द कार्बन एटम्स कैन बी लिंक टुगेदर टू फॉर्म चेन्स ऑफ वेरिंग लेंथ्स. मतलब कार्बन की चेन पता नहीं कितनी बड़ी हो सकती है, 60 तक भी जाती है. ठीक है, कभी कभी 40 हो जाती है, कभी 50 हो जाती है, कार्बन 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 जुड़ जुड़ के. ठीक है, अ सीरीज ऑफ कंपाउंड्स इन विच द सेम फंक्शनल ग्रुप सब्स्टिट्यूट्स फॉर हाइड्रोजन इन अ कार्बन चेन इज कॉल्ड होमोलोगस सीरीज. अब ये डेफिनेशन इतनी ट्रिकी लिख देते हैं, जबकि होती बड़ी सिंपल है. तो एल्केन मैम, सॉरी एल्केन का फर्स्ट मेंबर बताओ, एनीवन. मिथे C2H6। ओके, सेकंड मेंबर. ओके, थर्ड मेंबर. C3H8। गुड, इन दोनों के बीच में गैप कितना है बचे, C2H2। देखो चेक करो, CH2 का गैप आ रहा है, इनके बीच में भी किसका गैप है. तो पता है इन्होंने यहाँ पे क्या वर्ड लिखा हुआ है, इसको रीड करना आरुष, क्या लिखा हुआ है ये. सीरीज और सीरीज हमने मैथ्स में कहाँ पढ़ा है, अर्थमैटिक प्रोग्रेशन और इनका कॉमन गैप कितना आ रहा है सबका, CH2। तो कॉमन. बस उन्होंने क्या बोल दिया, इस बात को क्या बोल दिया, डिफर बाय, डिफर बाय CH2 CH2। यूनिट. यानी जितनी भी फैमिलीज हैं उनमें हर मेंबर में कितना कितना गैप है, कॉमन डिफरेंस क्या है सबका, CH2. अब ध्यान से देखो, तो उस फैमिली का दूसरा नाम दे दिया इन्होंने क्या, होमोलोगस सीरीज. उसी फैमिली का दूसरा नाम दे दिया, यानी फंक्शनल ग्रुप बस अटैच होता है, और जब सीरीज बन जाती है, जैसे CH3OH, CH2H5OH, C3H7OH, तो आपको याद होगा अल्कोहल का फॉर्मूला मैंने ये कराया था. तो N को 1 डाल दोगे तो फर्स्ट बन गया, N को 2 डाल दोगे तो सेकंड बन गया. तो ये सब मिला के क्या बन गई, एक सीरीज. और सब में किसका गैप होगा, कितने का गैप होगा सब में, हर फैमिली में दो मेंबर्स के बीच CH2। में.
CH2 का। अच्छा मैंने ना यहाँ पे ये लिखा हुआ है, कोई ये समझा सकता है? 14U, उनका एटॉमिक मास? बिल्कुल सही। कार्बन का 12 होता है लेकिन उसका एक ही एटम है, हाइड्रोजन का 1 होता है पर उसके दो एटम है, तो सबके बीच में 14 14 यूनिट का गैप होगा, मतलब एक होमोलोगस सीरीज का मेंबर अगले वाले से 14 ग्राम कम होगा। आया समझ? दूसरा सारी फैमिलीज होमोलोगस के लिए, होमोलोगस सीरीज क्या? दूसरा सारी फैमिलीज होमोलोगस के सारी लिए थी। फैमिलीज होमोलोगस सीरीज होती हैं, लेकिन ध्यान रखना है कि एपी की तरह से गैप सेम होना चाहिए CH2 का, ठीक है? नाउ एज द मॉलिक्यूलर मास इंक्रीजेस इन एनी होमोलोगस सीरीज अ ग्रेडेशन इन फिजिकल प्रॉपर्टीज इज सीन। तो आप मुझे बताओ CH4 और C2H6 किसका बॉइलिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा? C2H6। ओके, तो क्या लिखा हुआ है? दिस इज बिकॉज द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज विद द इंक्रीज मॉलिक्यूलर मास। जितना भारी होता जाएगा उतना ही मुश्किल होगा उसके लिए मेल्ट होना। नाउ और यहाँ पे नोट क्या लिखा हुआ है? प्रॉपर्टीज सच एज सॉल्युबिलिटी इन अ पर्टिकुलर सॉल्वेंट ऑल्सो शो अ सिमिलर ग्रेडेशन, बट द केमिकल प्रॉपर्टीज विच आर डिटरमाइंड सोलली बाय द फंक्शनल ग्रुप रिमेन इन द होमोलोगस सीरीज। यानी अगर CH3OH और C2H5OH की बात करी जाए तो किसके ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट किसका ज्यादा है? C2H5OH। लेकिन दोनों हैं एल्कोहल फैमिली के ही, केमिकली वो एल्कोहल फैमिली के हैं लेकिन उनके जो बॉन्डिंग है वो स्ट्रांग होती जाएगी, अगर कार्बन एटम्स बढ़ते चले जाएंगे तो जो उनका बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट है वो बढ़ता चला जाएगा। अब ये आता है लास्ट टॉपिक, नॉमन क्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स, ठीक है? तो युवना की वॉइस सही नहीं आ रही, नहीं तो मैं उससे रीड करवाता। मानवी आप रीड कर दो, बहुत बहुत इजी है ये, फटाफट कंप्लीट हो रहा है टॉपिक। यस सर, द नेम्स ऑफ कंपाउंड्स इन अ होमोलोगस सीरीज आर बेस्ड ऑन द नेम ऑफ द बेसिक कार्बन चेन, मॉडिफाइड अ प्रीफिक्स फ्रेज बिफोर और सफिक्स फ्रेज आफ्टर, इंडिकेटिंग द नेचर ऑफ द फंक्शनल ग्रुप, फॉर एग्जाम्पल मिथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल एंड ब्यूटेनॉल। ठीक है, तो OL क्या है? प्रीफिक्स है, सफिक्स? सफिक्स गुड। और मिथ क्या है? मिथ प्रीफिक्स? प्रीफिक्स प्रीफिक्स गुड, वेरी नाइस, इजी था ना। अब ये वाली जो टेबल आपको दिख रही है ना, ये आपको NCERT या मेरे नोट्स में से बस रीड करनी है एक बार और आपको सब समझ में आ जाएगा कि ये क्या बनाया हुआ है मैंने, नोट्स। नोट्स में से। हाँ नोट्स या एनसीईआरटी किसी में से भी कर लो, दोनों में सेम है, बहुत ही इजी टेबल है। ओके नाउ सो वी आर एंडिंग विद द हाफ पार्ट ऑफ द चैप्टर, मोर देन हाफ ऑफ द चैप्टर। ये इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको सिर्फ रीड करने हैं, यानी जो पिंक में मैंने दिया हुआ है, जो यहाँ पे पिंक में दिखाया हुआ है कलर में, वो सिर्फ आपको रीड करना है। ओके, तो अभी तक तो कैसा लग रहा है चैप्टर कार्बोनेट्स कंपाउंड्स? सर हाँ बच्चे बोलो। नोमेनक्लेचर मतलब बस नेमिंग करने हाँ कुछ की नहीं है, अभी आप ऑफलाइन आ रहे हो ना सब 11 बजे संडे को, है ना? जो भी ऑफलाइन आ रहा है उस दिन मैं आपको पूरी पीपीटी से पढ़ाऊंगा ये वाला चैप्टर। अभी तो नॉर्मल, ये तो सिर्फ एनसीईआरटी की लैंग्वेज इसलिए करनी पड़ती है बिकॉज वो क्वेश्चन एनसीईआरटी की लैंग्वेज ही पुट अप करते हैं बोर्ड्स में। उस दिन बहुत मजा आएगा अगर आप 11 AM आ जाओ तो। युवना आप भी ट्राई कर लेना, ठीक है? यस। और जो कल आ रहा है वो भी हैंड रेस कर देना अभी अपने ग्रुप पे, ऑनलाइन वाले ग्रुप पे, जो कल 11 बजे आ सकता है। उसमें मैं क्या करूंगा, कुछ आपको इंपॉर्टेंट चीजें कल बताऊंगा अगर आप आते हो सुबह तो, ठीक है? संडे को तो कोशिश करो आ ही जाओ, उस दिन मैं आपको थोड़ा पैटर्न बता दूंगा कैसे आपको स्टडी करना है। ओके क्लियर? हाँ बच्चे बोलो।
सर जैसे कि हमने स्ट्रक्चर्स पढ़े और आइसोमर्स पढ़े, तो सर जैसे आपने बताया था पहले ग्रेफाइट और डायमंड का, तो सर वो मेरा क्वेश्चन था इधर कि ग्रेफाइट इलेक्ट्रिसिटी कैसे कंडक्ट करता है। अच्छा ठीक है, अगर मैं इसका आंसर संडे को दूं, मतलब संडे को पीपीटी में दिखाऊं, मैं देखता हूँ अगर मेरे पास पीपीटी अभी पड़ी हो तो। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। कार्बन की पीपीटी शायद नहीं होगी मेरे पास। मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, उससे आपको याद हो जाएगा। जो ग्रेफाइट है ना, उसका लेयरी स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। अपना इसके ना रिंग्स होती हैं, ऐसे रिंग की फॉर्म में इसका स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। मानवी ये समझ आ रहे हैं, यस सर। ठीक है ना। अब दूसरा, जो कार्बन, जो ये वो कार्बन है, ये स्लाइड कर सकते हैं एक के ऊपर एक, ऐसे जितने भी ये कार्बन के मॉलिक्यूल्स हैं, ये एक जगह ऐसे स्लाइड करते जाते हैं, स्लाइड। हाइड्रोजन यस में मतलब जैसे चेंज में होते हैं। हाँ, ये वो है, एलोट्रोप है कार्बन का, तो इसमें आपको सिर्फ वही मिलेगा कार्बन। एलोट्रोप का मतलब कि प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन ही, सिर्फ हाइड्रोकार्बन नहीं। बाकी अगर आप कल आते हो तो कल बता दूंगा, संडे को आओगे तो संडे को, उसमें क्योंकि सब कुछ पीपीटी में है, मेरे पास इस वाले लैपटॉप में पीपीटी नहीं है, वरना मैं अभी दिखा देता, ओके सर, बट ऑफ संडे। बता दूंगा मैं सारा। ओके, बाय बाय एवरीवन, दैट्स ऑल फॉर टुडे। सर कल की टाइमिंग्स क्या है? 11 to 1। ओके सर।